देश की पहचान नहीं हुई, देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, क्योंकि हर भारतीय के दिल में विराजमान है हिंदी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उप प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक और मेरे सभी भाई और बहनों को सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं पहले तो अपने अध्यापक दिनेश सर का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से मुझे हिंदी दिवस पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हिंदी दिवस पर हम सब मिलकर जश्न मनाएं, हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका याद दिलाएं। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज हम हिंदी भाषा की महत्वता और उसके योगदान की सराहना करते हैं। वैसे तो हमारे देश में अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु उनमें से एक वीर सेनानी है जिनका नाम भगत सिंह है। उन्होंने हिंदी भाषा को भी बढ़ावा दिया और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। उन्होंने लाहौर से अपनी शिक्षा प्राप्त की और जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अनेक बार जेल भी गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करते रहे। उन्होंने कई हिंदी लेख और कविताएं भी लिखी जो आज भी संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और उनके बलिदान में हिंदी उनका बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। भारत को अंग्रेजों से शासन से मुक्ति कराने के लिए उनके बलिदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम भगत सिंह जैसे भी सेनानी कुर्बानी को नमन करते हैं और उनके योगदान की सराहना करते हैं। और अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें हिंदी भाषा के महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति, विरासत और इतिहास का प्रतीक है। ये हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी, कवि और कथाकारों